एवरीवन, तो आज हम ग्रीन मूंग दाल का चीला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रीन मूंग दाल को ओवरनाइट सो किया है, छिलके वाली दाल जिसको बोलते हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने इसमें 2 क्लोव्स अदरक, सॉरी 1 क्लोव, 2 क्लोव्स गार्लिक के और 1 अदरक का पीस डाल दिया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक और हींग डालेंगे। अब मैंने इसमें नमक, हल्दी और हींग डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो कुछ ऐसा हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे बनाएंगे। तवा ग्रीस कर लिया है मैंने। मेक श्योर कि आपका तवा पूरा गर्म होना चाहिए, नहीं तो चीला चिपक जाएगा। इसको डालेंगे। ये हमने इसको डाल दिया। अब हमें थोड़ा वेट करना है, तो हम इसको पलट देंगे। इसको मैंने पलट दिया है। इसको आपको अच्छे से सेकना है कि ये कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। ये थोड़ा फ्लफ़ी बनेगा क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट भिगोया है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगा। आपको इसके अंदर और अपने हिसाब से आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं बैटर में, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये हमारा चीला बनके रेडी हो गया है। तो आज मैंने इसके ऊपर प्याज नहीं डाला है, मैंने साइड पे प्याज ऑनियन रिंग्स बना लिए साथ में ग्रीन चटनी। तो आप लोग इसको इंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय गाइज़।